ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ हर मुआरा जो है और उसने बहुत से मरल से गुजर कर आज की मौजूदा शक्ल इख्तियार की है ने ओवरऑल uh, अगर हम ये देखें तो सोशल चेंज इन सोसाइटी द ऑल्ट्रेशन ऑफ मेकनिज़म्स विद इन अ सोशल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कल्चरल सिंबल्स रूल्स ऑफ बिहेवियर Social organization or value system. So, the main difference among the traditional, modern, and postmodern societies are their specific conversion to the change of their size and then the level and scale of interaction. The yani key line hai behind the traditional, modern, and -modern societies क्योंकि वो अफराद पर मुनहसर है तो अफराद जो हैं वो स्टैटिक नहीं हैं उनके रवैयों में तब्दीलियाँ आती रहती हैं ये तब्दीलियाँ दे कैन बी ड्यू टू द दर्कम्स्टेंसेज दे कैन बी ड्यू टू देर थिंकिंग देयर कल्चरल एफिलियशंस एंड इवन देयर ओवरऑल चेंज ऑफ बिहेवियर और ये चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे आता है जैसे जैसे इंटरेक्शन में लोगों का साइज़ बड़ा होता है लोगों का इंटरेक्शन का पैटर्न चेंज होता है और इंटरेक्शन का पैटर्न कैसे चेंज हुआ रवायती तौर पर लोग एक दूसरे से जाकर मिलते थे फिर लोगों का रबता टेलीफोन टेलीविजन के ज़रिए हो गया रेडियो से हालात हाजरा का पता चलता था अब आज कल के दौर में इंटरेक्शन का लेवल ओवरऑल ही चेंज हो गया तो हम ये देखते हैं कि फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ देवर नॉर्मली स्मॉल स्केल एंड आर फाउंडेड ऑन द एंशन कल्चरल प्रैक्टिस अगर जो रवायती माशरे थे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उनके यहाँ आम तौर पर लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी पॉपुलेशन कम थी द स्मॉल स्केल ऑफ इंटरेक्शन और उसमें एक दूसरे के साथ जो कल्चरल अफिलियशन थी जो कल्चरल इन्फ्लुंस था वो बहुत ज़्यादा था इन द नेम ऑफ देयर वैल्यूज एंड नॉर्म्स यानि वो मुशरे चूँकि उनका महदूद नंबर और फिर महदूद नंबर का आपस में क्लोज इंटरेक्शन तोाहिर है वो एक दूसरे को ज़्यादा इंफ्लुंस करते थे फिर उसके बाद जो मॉडर्न सोसाइटीज़ राइज हुई देयर नंबर वॉज मच बिगर एंड दैन द मेन इम्पॉर्टेंट कॉज बिहड द र मॉडर्न सोसाइटीज़ दैट वॉज द इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी कम्युनिकेशन में तब्दीलियाँ आईं और जितना ज़्यादा एक ख़ास पेरोकियल अप्रोच यानी इलाकाई अप्रोच की बजाय अब लोगों ने आपस में एक से दूसरे इलाके और दूसरे से तीसरे इलाके के लोगों ने आपस में ना सिर्फ इंटरेक्ट किया एक दूसरे से सीखा और उस सीखने की वजह से उनमें बहुत स्पीड से सोशल चेंज आई उनके नज़रियात टनोलॉजी कल्चर रहन सहन खुराक हर चीज़ पर इंफ्लुंस हो गया और यह मॉडर्न सोसाइटीज़ का टाइम कहलाता है देन द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ अब इसके बाद जो आज कल के माशरे हैं इनको हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ कह सकते हैं क्योंकि नाव द वर्ल्ड इज़ मूविंग टू वर्ड द एंड ऑलमोस्ट इट हैज़ मूव टू वर्ड द ग्लोबलाइज्ड सोसाइटीज़ अब ऐसा नहीं है कि एक जगह की तालीम दूसरी जगह नहीं हो सकती खास तौर पर अब वर्चुअल एजुकेशन ने आप कहीं पर भी बैठे हों अगर आप जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते तो आप वर्चुअल पैटर्न से ख़ुद को एजुकेट कर सकते हैं ख़ुद को लिंक कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ तो ये जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं इन पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट है

उस इंफॉर्मेशन का हमारी सोशल चेंज पर कैसे इन्फ्लुएंस या इम्पेक्ट होगा तो वी कैन से फ्रॉम ट्रेडिशनल टिल पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ वी आर पासिंग थ्रू अ स्पीडी फेज ऑफ इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड वी आर नाउ वी आर नाउ डेज फेसिंग अ ग्रेट चैलेंज ऑफ द अनप्लैंड एंड अनगाइडेड पैटर्न ऑफ सोशल चेंज